सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। गुरु की कृपा पाने के लिए गुरु सत्संग के लिए हम लोग प्रतिदिन इस सेशन में जुड़ते हैं। हमारा ये सेशन और सामूहिक ध्यान का जो कार्यक्रम है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से शुरू होता है। 5 से 5:15 तक हम लोग गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं और 5:15 से 5:30 तक सामूहिक रूप से हम लोग ध्यान करते हैं। अर्ली मॉर्निंग का ध्यान बहुत ही अद्भुत और इसके द्वारा आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत तीव्र गति से होती है और साथ ही साथ हम लोगों का ये शाम का सेशन चलता है और साथ ही साथ एवरी संडे 9 बजे के आसपास 9 बजे से बच्चों का भी सेशन चलता है। बच्चों की दिव्य अनुभूतियां होती है तो इस मंच के माध्यम से इस सेशन के माध्यम से हम सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों से अनुरोध करेंगे कि हमारे जो बच्चों का सेशन है उसमें अगर आपके आपके घर में कोई बच्चे हो या साथ ही साथ कोई आदर भी हो तो उनको उस सेशन में जोड़िए। जय गुरुदेव। चलिए और बेसी ना बोलते हो मैं विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं फिर शुरू करता हूं। स्क्रीन शेयर हो गई क्या? जी गुरु भाई। जी गुरु भाई शुरू शुरू करूं? यस यस गुरु भाई। ओके जी। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। संसार का हर परिवर्तन पूर्व निश्चित है, यह लेख पूज्य गुरुदेव ने 31 मार्च 1988 को लिखा था। संसार की यह कहावत है कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता पूर्ण सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय में स्पष्ट कहा है, गीता अध्याय 11 32वां श्लोक, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं, इस समय लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। गीता 11:33, इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन ध्यान से संपन्न राज्य को भोग, यह सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। गीता 11:34, हे सव्यसाची केवल तू निमित्र मात्र ही हो जा, केवल तू निमित्र मात्र ही हो जा, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। भगवान के उपर्युक्त आदेश से स्पष्ट होता है कि यह संसार, यह सारा संसार एक ही परम सत्ता का विस्तृत स्वरूप है। जीव संसार के हर कार्य में निमित्त मात्र है। ईश्वर की त्रिगुणमयी माया जीवों को भरमाती हुई अपनी इच्छा से चला रही है। जीव अंधकारवश झूठे अहम में आकर जबरदस्ती कर्ता बन बैठता है और इस प्रकार तामसिक वृत्तियों के चक्कर में फंसकर जन्म मरण के जाल में फंसा हुआ दुख भोग रहा है। स्थिति को और स्पष्ट करते हुए भगवान ने 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है, हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को
अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। ऐसी स्थिति में भी जीव अपने अंदर विराजमान उस परम सत्ता की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार के अभाव में जन्म मरण के चक्कर में फंसकर भयंकर दुख भोग रहा है। इस युग में सभी आराधनाएं बहिर्मुखी हैं, ऐसी स्थिति में ईश्वर का दर्शन और प्रत्यक्षानुभूति असंभव है। तोते की तरह धार्मिक ग्रंथों को रटने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। जब तक जीव तत्व से उस परम सत्ता को नहीं पहचानता है, कुछ भी लाभ होना असंभव है। गीता रूपी ज्ञान के अमृत का भी पान करने की स्थिति में जीव आज नहीं है। ऐसी स्थिति स्पष्ट करती है कि संसार पूर्ण रूप से तामसिक वृत्तियों से घिर चुका है। सात्विक वृत्तियों का लोप प्राय हो जाना स्पष्ट संकेत है कि संसार में आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि अब संसार से तामसिक वृत्तियों का अंत होने वाला है। जितने आध्यात्मिक गुरु इस समय संसार में हैं, पहले कभी देखने सुनने को नहीं मिले, परंतु उनके रहते हुए भी संसार में अंधकार निरंतर ठोस होकर जम रहा है। ऐसी स्थिति में संसार का मानव इन गुरुओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए बिना नहीं रह सकता। बेचारे सभी धर्म गुरु युग के गुणधर्म और काल की गति के प्रवाह में ऐसे फंसे हुए हैं कि वे अपने आप को बचाने में असमर्थ हैं। डूबते हुए व्यक्ति की तरह उल्टे सीधे हाथ पांव मार रहे हैं। इतिहास बताता है कि संसार में जब जब भी ऐसी स्थिति पैदा हुई है, उस परम सत्ता ने अवतरित होकर जीवों का कल्याण किया है। इस बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में स्पष्ट घोषणा की है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभिधानम धर्मस्य तदात्मतानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चक्र दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। धन्यवाद विनोद पुरोहित गुरु भाई को। गुरुदेव की दिव्य लेखनी, जीव केवल निमित्त मात्र है। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का नाश करने के लिए परमात्मा का अवतरण होता है। हमारे गुरुदेव का अवतरण मनुष्य का दिव्य रूपांतरण करने के लिए ही हुआ है, कल की अवतार है। चलिए, कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन मंच पर कुछ अपनी बातें रखना चाहते हैं तो स्वागत है। रत्नदीप कुलकर्णी गुरु भाई ने हैंड रेस किया हुआ है, यदि उनको कुछ बातें रखनी है तो स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। सूरज गुरु बहन ने भी हैंड रेस किया है, गुरु बहन आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन, कृपया माइक और कैमरा ऑन म्यूट करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु गुरु बहन बताइए, आप आपकी बहुत बोलिए। मैंने बताया था ना कोमल के लिए, तो वो आज सेशन में है, तो उनसे बात करिए। कोमल से आज सेशन में ज्वाइन किया, उन्होंने मैंने बोला था कि आपके लिए कल बोला है, तो आप आज जरूर ज्वाइन करना है, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं करूंगी, तो अभी वो सेशन में, आप उनसे बात करिए। ओके ओके गुरु बहन, आप भी बने रहे। जय गुरुदेव, जय गुरु। कोमल गुरु बहन स्वागत है। गुरु बहन कृपया माइक और कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु बहन बताइए, गुरुदेव के बारे में आपको कैसे पता चला और कब से जुड़े हुए? मैं हॉस्पिटल में थी ना, तब इन्होंने मम्मी को बताया था, तो तब से मम्मी ने मतलब वो मेरे को वहां पे मंत्र जाप वगैरह सुनाए, और उससे उसके बाद फिर मैं ठीक होके घर आई।
और तब से भी डेली घर पे मम्मी करती है, वो गुरुदेव की पूजा करती है और मेरे को मंत्र जाप सुनाती है, जब वो चरणों के मतलब जल पिलाती है, उससे मैं ठीक हूँ अभी। गुरु बहन मैंने आपको मैंने मंत्र जाप से आपके शरीर में स्वास्थ्य लाभ हुआ, आपको क्या लगा? हाँ, उससे मतलब शरीर अच्छा रहता है, जैसे मैं खुद करती हूँ ना तो मतलब रिलीफ मिलता है। क्या समस्या थी गुरु बहन आपको? मेरे को ब्लड कैंसर है, तो उसमें मतलब जैसे डॉक्टर ने बोला कि अभी आप दवाइयां दो ठीक हो जाएंगी, मतलब ऐसे ही उनका कोई सेटिस्फिकेशन वाला जवाब नहीं आया और मैं 8 दिन तक मतलब होश में नहीं थी, बिल्कुल आंखें बंद थी मेरी। तो फिर उस दिन इधर मम्मी को बताया ना, तो इन्होंने मम्मी ने करा ऐसे हाथ जोड़े, गुरुदेव का ध्यान करा, मंत्र जाप करा, सुनाया मुझे। जैसे मुझे पता नहीं था, पर जैसे फोन में ऑडियो चला के मेरे पास रख देते थे, तो उससे मेरे को ना मतलब एक अगले दिन से मतलब आज जैसे पता चला ना, उसके अगले दिन मुझे होश आ गया सुबह मंत्र के प्रभाव। हाँ, फिर मैं हाँ अभी मैं ठीक हूँ, मतलब रिकवर हो रही हूँ धीरे धीरे, पहले से काफी ठीक हूँ। गुरु बहन मैंने कब पता चला आपको इस बीमारी के बारे में गुरु बहन? ये तो मेरे को वैसे तो मतलब पिछले 3 साल से है, पर ठीक हो गया था, थेरेपी वगैरह ली थी डॉक्टर से तो वो बिल्कुल ठीक हो गया था। अभी 2 महीने पहले अचानक से सिर में दर्द हो के फिर से वापस दिखाया डॉक्टर को, तो कि वापस से दिक्कत हो गई, अब सिर में बता रहे हैं, पहले ब्लड का बता रहे थे, अभी ठीक। यस गुरु बहन, तब आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं गुरु बहन? मम्मी तो कर रही है, आप करते हैं कि नहीं गुरु बहन? हाँ मैं करती हूँ ना, अब मैं करती हूँ ठीक होने के बाद। मैं पहले जब मैं ठीक नहीं थी, मुझे पता नहीं था, तब मम्मी करी, मम्मी के करने से मैं ठीक हुई, फिर अब हम दोनों करते हैं। यस गुरु बहन, गुरुदेव की कृपा है, नहीं तो ये असाध्य रोग साइंस हाथ उठा लेते हैं, विज्ञान हाथ उठा लेते हैं ये सब रोगों में। गुरुदेव की कृपा है, जो माने संजीवनी मंत्र हम लोगों को मिला है, सुनने मात्र से ही माने शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है गुरु बहन। सुनने आप तो सुने, उससे सुनने से ही रिकवर हुआ है गुरु बहन। गुरु बहन और माने शरीर में जो तकलीफ है, जो दर्द है, उससे आराम मिलता है गुरु बहन मंत्र जाप करने से? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। मतलब जैसे अब कहीं हल्का दर्द होता है ना, तो मैं अगर आंखें बंद करके ध्यान करती हूँ ना, तो वो थोड़ी देर में दर्द होता है ना, तो वो मुझे मतलब दर्द जैसा फील नहीं होता, ठीक रहता है। अद्भुत अद्भुत, ऐसे ही कृपा है गुरुदेव की हमारे ऊपर। और अपनी मम्मी जी को भी सेशन से जोड़िए, मम्मी जी की प्रार्थनाओं को हम लोग सुने, मम्मी आपके लिए बहुत प्रार्थना की है, उनको भी सेशन में जोड़िए अगर वो कुछ बोलना चाहे तो। हाँ गुरुदेव, जय जय गुरु बहन। बताइए आप तो एक तो मैंने युद्ध लड़ रहे हैं, हाँ अपनी बेटी के लिए युद्ध लड़ रहे हैं गुरु बहन, आप बताइए गुरु कृपा आपके ऊपर बरसी कैसे, उसके बारे में बताइए। नहीं सर, उसके बारे में जब ये वहाँ हॉस्पिटल में थी, आके नहीं खोल रही थी और कुछ खा पी नहीं रही थी, उल्टी चल रही थी इसको उल्टी, तो फिर वहाँ हम इसके प्लेटलेट्स बिल्कुल कम थी, तो वहाँ से चढ़वाए तो बिल्कुल कम ही रह गई, 6,000 ही रह गई, मतलब 13 बता रहे थे मेरे को, लेकिन भाई माँ है तो थोड़ी ज्यादा बता रही थी, लेकिन 6,000 ही रह गई थी जी। ऐसे मतलब थोड़ा गुरुदेव का नाम लेने से घर पे आने के बाद वहाँ डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर मैं गुरुदेव की फोटो वहां से ली, फिर वहीं से मैं ई मित्र पे से निकलवाई, इसकी एक फ्रेंड थी वो ई मित्र पे से निकलवा के दे दी, फिर इसके बेड के पास में रख दी, सुबह उसको दर्शन करवाती, उनके चरणों को पानी पिलाती, ऐसे किया तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सुधार हुआ है गुरु बहन। अब मैं सोचती हूँ कि पूरा ही सुधार हो तो ये बताओ आप मेरे को। गुरु बहन बस पूरा सुधार ऐसा, मैंने इसके लिए गुरु बहन मंत्र जाप कंटिन्यू करते रहना है गुरु बहन,
तो भीतर से सुधार हो जाएगा गुरु बहन। मंत्र जाप जितना अधिक से अधिक आप करेंगे प्लस आपकी बेटी करे तभी कंटिन्यू ये रह पाएगा गुरु बहन जी। मंत्र जाप तो करना ही पड़ेगा गुरु बहन। और दूसरा मंत्र जाप करते हैं और आप तो मैंने प्रत्यक्ष देख रहे हैं गुरुदेव की शक्ति काम कर रही है, है? सुधार हो रहा है, है? बस उस सुधार को और भरोसे में बदलिए, अटूट भरोसे में बदलिए और गुरुदेव से प्रेम कीजिए, गुरुदेव से करुण प्रार्थना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए और मंत्र जाप इम्पोर्टेंट है उसको करते रहिए गुरु बहन। अवश्य ही पूर्णतः मुक्ति मिलेगी गुरु बहन इस रोग से। अच्छा हाँ यही एक उपाय है और दूसरा तो कोई उपाय गुरुदेव भी नहीं। गुरुदेव के पास जब जाते थे लोग समस्या लेके तो गुरुदेव एक ही बात बोलते थे मंत्र जाप करो और ध्यान करो उससे सब समस्याओं का हल निकलेगा। अब मंत्र जाप संजीवनी मंत्र है उस परम पिता का नाम है उसमें तो ऑटोमेटिक इससे फायदा होना एकदम श्योर है 100% ही इससे श्योर मिलेगा गुरु बहन। आप विश्वास रखकर मंत्र जाप कीजिए गुरु बहन और दूसरा कोई उपाय भी नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। गुरुदेव की कृपा और प्राप्त कर सकते हमारे पास भी कोई दूसरा नहीं है बस ये गुरु मंत्र ही कर सकते हैं अब क्योंकि चारों तरफ चार चुके। यस जब एक ही सहारा बच जाता है ना तो वही सहारा गुरुदेव बनते हैं और उसी कृपा से ही माने हम लोगों को मुक्ति मिलता है या हम लोगों को जो परेशानी है उससे मुक्ति मिलता है गुरु बहन। हाँ एक निष्ठ होकर मंत्र पर आश्रित हो जाना पड़ेगा हम लोगों को गुरु बहन। और गुरु बहन आप ध्यान करते हैं गुरु बहन? हाँ मैं ध्यान करती हूँ। ध्यान में गुरुदेव दर्शन दिए दर्शन देते हैं? गुरुदेव ऐसे सपने में दिखे तो जैसे इसके सिर पे हाथ फेर रहे थे तो हाँ। सिस्टर को दिखे वो मेरे से बड़ी सिस्टर है तो सूरज सर हाँ तो उनको दिखे फिर हाँ ये सूरज भाई सा जो है ना तो ये बताए तो इनको दिखे और उनको मतलब मेरी सिस्टर को दिखे क्योंकि उस टाइम ध्यान कर बोली ध्यान कर रही थी तब मतलब ये जो कोमल सो रही थी तो इनके जैसे सर पे ऐसे गुरुजी हाथ फेर रहे थे उनको बस ये दिखाई दिया और फिर होश भी आ गया। हाँ फिर ये बात में सुनी ना तो मैं थोड़ा इतने खुश हुई में कि विश्वास ले ली में कि ये दर्शन दे दिए ना तो बस अभी इन्हीं में भगवान है और ये बच्ची ठीक हो जाएगी। यस गुरु बहन मैंने बात करी थी तो इन्होंने बोला कि भाई साहब होश आ गया इनको और ये मतलब बहुत खुश थे इतने खुश थे और मैं भी बहुत खुश हो गई कि चलो मतलब ये पहले नहीं जानते थे अभी तो एक डेढ़ महीने की बात है ज्यादा भी नहीं है वो अभी डेढ़ महीने की बात है और बस गुरुदेव ने सब संभाल लिया। यस गुरु बहन बहुत सुंदर बात आप मैंने सूरज गुरु बहन जो है उनका प्रेम देखिए मैंने उनके भीतर में गुरु का प्रेम वैसा प्रेम से भर जाइए सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बस ये इन्हीं का प्रेम है इन्हीं का प्रेम और इन्हीं का ये आगे से आगे बताते रहे ना तो बार बार इनकी इतनी कोशिश रही जैसे मैं मां नहीं कर पाई क्योंकि मैं तो सेवा ही करती थी मेरे को तो ये सिस्टर ही मानो कोमल के तो बड़े सिस्टर ही है ये तो इनका इतना जी दुखा तो ये इतना ध्यान करे मतलब हाँ और अभी भी ये मतलब बताते रहते हैं मैंने एक ही बात बोली इनसे भाई मैं इसकी सेवा में कोई भी काम हो तो मैं इतनी बिजी रहती हूँ ना तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते कि मैं ही फोन करूँ ये खुद फोन करते हैं। यस हाँ खुद इसको जब संभालते हैं सूरज भाई साहब। बहुत सुंदर गुरु बहन कृपा है सब मैं तो बस जब भी बात करती हूँ मैं गुरुदेव के लिए बोलती हूँ बस मंत्र जाप और सुबह साफ ध्यान और इन्होंने बहुत किया है गुरुदेव पर इतना विश्वास है एक बार में से हो गया इनका कि जब एक है ना तब से इनको बस गुरुदेव का वो मंत्र और ये है चल रहा है बस मैं सुगन्नाथ के इनके गुरु जी के चरणों की फोटो है उनको बाएं हाथ से पकड़ के लोटे से जल से कटोरे में इनके स्नान कर लेके फिर इसको पिलाती हूँ पूरे घर में छींटे देती हूँ सरसों का तेल का दीपक जला के फिर बाद में मैं नाम ले लेती हूँ उस टाइम में फिर मैं घूमती जाती हूँ नाम लेती जाती हूँ कभी भी मैं घूमती जाऊँ नाम कुछ भी काम भी करती हूँ और नाम भी
जपती रहूं बस। यस गुरु बहन, आप भी जपिए मंत्र और अपनी बेटी को भी बोलिए जितना अधिक से अधिक हो मंत्र जाप करें, पूरा भरोसा मंत्र जाप पर लेके आए, और प्रेम, गुरु से प्रेम करने से, उनके ऊपर विश्वास रख देने से ऑटोमेटिक सब समस्या का समाधान है। बस यही चाहिए, यही चाहिए आशीर्वाद से। पढ़ी लिखी मतलब ये एमए कर ली है फाइनल, मतलब इसकी सोच इतनी आगे है तो भाई गुरुदेव अच्छा ही करेंगे भाई बच्ची का। यस और मैं तो ये मैं तो गुरुजी से ये कहती हूँ कि बहुत ही जल्दी इसको ठीक करे ना, तो ये खुद ही फिर अपने मन से खुद और भी ज्यादा ये पूजा करेगी। यस गुरु बहन सब बच्ची की तरफ से थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ी बीमारी से ही है, तो भाई गुरुदेव से थोड़ी मैं माफी चाहती हूँ भाई, ये कितना बोले मैं बोल रही हूँ। जैसे इसकी मौसी है सूरज भाई साहब, बहुत ही ज्यादा सबसे ज्यादा ये है। यस यस पहले स्थान पर ये है, मतलब उनके नीचे हम सब है। इनका सब आ गए, इनकी कृपा है बस, और कुछ इनका कोशिश इतना है जो मैं तो माऊ हूँ तो मैं तो करती ही करती, देखो माँ तो करती ही है, लेकिन ये जो कर रहे हैं ना वो बहुत ही बेहतर है। गुरु बहन प्रार्थना कर रही हैं आपके लिए, गुरु बहन आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इनकी छोटी बच्ची है उनको भी बिठा के करवाते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ ना, तो मैं खुद देखती हूँ भगवान इनको खूब इच्छा शक्ति बढ़ाए और अच्छा रहे। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु बहन, ऐसे ही मंत्र जाप करते रहिए, साधना करते रहिए, गुरु के प्रति प्रेम रखिए, सब समस्या का समाधान होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए और कोई गुरु भाई हो गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहते हैं तो स्वागत है, कृपया हैंड रेस करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ब्लड कैंसर की पेशेंट है, फिर भी मंत्र जाप से सुधार हो रहा है, असाध्य रोग, गुरुदेव बोलते हैं इनक्यूरेबल डिजीज का उपचार केवल और केवल सिद्ध योग में है, अगर यहाँ नहीं होता है तो और कहीं नहीं हो पाएगा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी ने हैंड रेस किया है, उनका स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई एक बस छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, कितनी कमाल की बात है कि अब देखो हमारे सेशन में सब तरह के अनुभव वाले लोग आ गए जी, और जिससे ये बात जो है एक बार पुनः जो है साबित हो गई कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं और संजीवनी मंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं है। अब ये गुरु बहन तो जो है होश में भी नहीं थी, है ना जी, जी 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 जी, और वो ऑडियो क्लिप जो है संजीवनी मंत्र का सुना दिया घर वालों ने, उससे ही जो है आंख खुल गई, होश आ गया, ठीक हो गई। तो अगर जो है संजीवनी मंत्र बेहोशी की हालत में भी कानों में चला जाए, सुनने को मिल जाए, तो वहां भी चमत्कार करता है। तो इस बहन का तो ये एग्जांपल यहाँ पे मिली गया हमारे को, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक बार किसी भाई से मेरी बात हुई थी, तो वो अपने फादर के लिए बोल रहे थे कि उनको कैंसर है और वो होश में भी नहीं है, आईसीयू में एडमिट है जी। तो गुरुदेव की प्रेरणा से ही मैंने उनको बोल दिया कि आप बस उनको जो है ना ये ऑडियो क्लिप जो है चला दीजिए संजीवनी मंत्र का। हालांकि मैंने उनको बोला ये था कि आप ज्यादा से ज्यादा चलाइए, लेकिन वो क्योंकि नौकरी करते थे तो उन्होंने एक घंटे सवेरे चलाया और एक घंटे शाम को ही, लेकिन उससे ही वो एकदम नेक्स्ट डे से ही ठीक होते चले गए। कुछ ही दिनों में होश आ गया, उठ के बैठ गए, खाना वाना खाने लग गए, सब कुछ जो है ठीक होता चला गया उनका। Yes. और जी तो वो एक और एग्जांपल है कि बस अगर बेहोशी की हालत में भी संजीवनी मंत्र कानों में पड़ जाए तो वो अपना काम शुरू कर देता है, इतना कमाल का, इतना चमत्कारी मंत्र है ये। और Yes. हमारे गुरुदेव की पावर इतनी जबरदस्त है। एक तीसरा जो है एग्जाम्पल और है जो हम सब जानते हैं कि गुरुदेव की जो है सिर्फ फोटो से जो है ध्यान लगता है, योगी क्रियाएं होती हैं, तो
वो भी एक गौर करने वाली बात है कमाल की, कि अगर ऐसा नहीं है कि आपकी दीक्षा, जब तक आपकी दीक्षा नहीं होगी जब तक आपका काम शुरू नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको फोटो भी मिल गई और फोटो से भी आप बैठ गए, तो फोटो से ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। हमारे सेशन में वो सुनीता बहन तो है ही है एग्जाम्पल, जो इस बात को बताती है, 3 महीने बाद मिला था उनको मंत्र। Yes. और ऐसे हजारों लोग हैं, गुरुदेव भी बताते थे कि भाई कितने लोगों की जो है एड्स ठीक हो गई, बीमारियां ठीक हो गई। तो ये भी एक बहुत ही कमाल की बात है कि आपको मंत्र दीक्षा नहीं मिली लेकिन फिर भी सिर्फ फोटो से रिजल्ट मिल रहे हैं। और अगर जो है आपको विधिवत अगर मिल गई दीक्षा, तो बस फिर तो खैर कुछ कहना है ही नहीं, फिर तो कहना ही नहीं। Yes, ये बस बात कहना चाह रहा था कि देखो कितनी कमाल की बात है। Yes, yes. बहुत सुंदर गुरु भाई, संजीवनी मंत्र, नाम ही संजीवनी मंत्र है, संजीवनी छुपा हुआ है, संजीवनी बूटी है, इसके प्रभाव से मैंने हमारे भीतर में कानों में पड़ने के साथ साथ ही शरीर में कुंडली शक्ति जागृत होकर ऑटोमेटिक असाध्य रोग को ठीक कर रहे हैं गुरुदेव की कृपा से। और कोई गुरु भाई हो गुरु बहन? अपनी बातें रखना चाहते हैं तो स्वागत है। जय गुरुदेव। काइंडली हैंड रेज करें। कोई नए गुरु भाई हो गुरु भाई गुरु बहन अगर जुड़े हैं उनका अगर कोई प्रश्न है तो उनका भी स्वागत है। जय गुरुदेव। केसी शर्मा गुरु भाई जुड़े अगर हैं तो बहुत दिन से नहीं बोले हैं। केसी शर्मा गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेम सिंह भाटी गुरु भाई बहुत दिन से नहीं बोले हैं। प्रेम सिंह गुरु भाटी गुरु भाई साधना कैसे चल रही है? जय गुरुदेव गुरु भाई। अब थोड़ा बिजी हूं साहब। ओके ओके गुरु भाई कोई बात नहीं। आनंद आ रहा है कि नहीं ये बताइए, साधना में आपको आनंद आ रहा है? बिल्कुल बढ़िया बढ़िया सा, ये एकदम गुरुदेव की कृपा है, बहुत अच्छी कृपा है। बहुत सुंदर, आप तो आनंद से मैंने शरीर भी आपका हिलता था, इतना आनंद से भर जाते थे। ठीक है, वो तो सर अब कम हो गया, वो पहले वाला था ना, वो नशा टाइप रहता था ना, वो तो अभी कम हो गया। यस 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 गुरु भाई, इस साधना के पड़ाव है धीरे धीरे करके। बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम की खुमारी, गुरुदेव कहते हैं कि नाम का नशा जैसे चढ़ते जाता है, हमारे सारे मेंटल डिजीज ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। नाम का नशा चढ़ना चाहिए, नाम का नशा चढ़ना बहुत जरूरी है। चलो ये राम हरि गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, उनका स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव। क्या माइक और कैमरा ऑन करें? जय गुरुदेव। सभी को भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई कल शाम की एक अनुभूति बता रहा हूं मैं जी। गुरु भाई मैं कल शाम को ध्यान में बैठा था तो उस समय क्या हुआ, थर्ड लाई पे मुझे एक छोटा सा एक सफेद कलर का बिंदु दिखाई दिया, एक छोटा बिंदु जी। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा गुरु भाई, उसमें से बैठी हुई गुरुदेव की मूर्ति निकली आई, मतलब गुरुदेव निकली आए उसमें से बैठे हुए।
फिर वो बैठे हुए गायब हो गए, थोड़ी देर बाद में चलती हुई मूर्ति निकल के आई गुरुदेव की, गुरु भाई उसमें। ये हमारे गुरुदेव की असीम कृपा है सभी गुरु भाई बहनों पर। यस गुरु भाई। और गुरु भाई इतना वाइट प्रकाश है कि बिल्कुल सफेद, उसमें से गुरुदेव निकल के आते हैं। ये हमारे गुरुदेव की असीम कृपा है गुरु भाई। यस गुरुदेव बोलते हैं ना, मैंने एक दिन जब गायत्री की सिद्धि जब उनको हुई थी तो जी, एक दिन जब ध्यान नहीं करना था, सुबह दे उठकर मंत्र जाप नहीं करना, तो ध्यान लग गया, सारा शरीर दूधिया प्रकाश के रूप में प्रणीत हो गया है। तो दूधिया प्रकाश वो परमात्मा का ही प्रकाश है, सफेद मिल्की वाइट प्रकाश है। वो उसमें ही पूरा दिव्य रूपांतरण हम लोगों को चाहिए गुरु भाई। गुरु भाई आज मैं शाम को ध्यान पे बैठा गुरु भाई, तो क्या हुआ कि थर्ड आई पे मुझे बिल्कुल प्रकाश दिखाई दिया। बहुत समय तक वो प्रकाश बना, मेरी आंखें बंद होने को हो गई जबरदस्ती, तो मुझे ऐसा लगा कि सामने देखा ही नहीं गया मुझ पे। ऐसी गुरुदेव की असीम कृपा है गुरु भाई। बहुत सुंदर गुरु भाई। जी गुरु भाई, और बताइए गुरु भाई। बस सभी गुरु भाई बहनों पर गुरुदेव की असीम कृपा चल रही है गुरु भाई। दोनों समय ध्यान करो, सब दिन मंत्र जाप करो गुरुदेव की कृपा से। यस यस जी गुरु भाई, ये अनुभूति थी जो मैं बता देता हूँ गुरु भाई को। यस यस बहुत सुंदर गुरु भाई। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए और कोई गुरु भाई हो गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहते हैं तो स्वागत है, कृपया हैंड रेज करें। रन कुशल सिंह जी गुरु भाई भी सेशन से जुड़े हुए हैं, अगर अपनी बातें रखना चाहते हैं तो स्वागत है गुरु भाई, कृपया माइक और कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हरीश शर्मा गुरु भाई, मनीष गुरु भाई अगर अपनी बातें रखना चाहते हैं तो स्वागत है गुरु भाई, कृपया माइक और कैमरा ऑन म्यूट करें। जय गुरुदेव। विकी शर्मा भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अनुप गुरु भाई बोल रहे हैं, चलिए आइए, स्वागत है गुरु भाई। देख रहे कोई बोल नहीं रहा, इसी अनुभूति थी अभी से। एकदम स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव। बोलिए। जय गुरुदेव सभी लोगों को। जय गुरुदेव। आज ध्यान में बैठा हुआ हूँ तो मतलब मेरे आँख के नीचे से सर के उधर से ऐसे लग रहा है कि प्लेन में जैसे सफर करते हैं ना हम अपन लोग, तो इसके ऊपर से एकदम आधा सर मेरा बादलों के ऊपर है और इधर नीचे है, बाकी चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ एकदम दुधिया बादल दिख रहा है और सूरज की खूब तेज किरण पड़ रही है और बस इतने ही पोर्शन के ऊपर अपना शरीर देख रहा हूँ, सर भी देख रहा हूँ मैं। और उसके बाद क्या हुआ, गुरुदेव का तस्वीर जो है सामने आ रहा है, फिर चारों तरफ घूमने लगा, मल्टीपल टिकर्स, मल्टीपल टिक नहीं रहा है, वही तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब टिक जाएगा तो हम टिक जाएंगे। टिक नहीं रहा, एकदम भागे जा रहा, भागे जा रहा, भागे जा रहा, भागे जा रहा, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। उसके बाद क्या कह रहा हूँ कि मतलब एक
सुरंग टाइप है, दिख रहा है सुरंग टाइप सा दिख रहा है, और उसमें जो है गुरुदेव की तस्वीर बहुत दूर रखी हुई है, उसके पीछे पीछे फिर मैं भाग रहा हूँ, उसी सुरंग में जा रहा हूँ मैं। कम से कम इतना इस बात का मैं गुरुदेव से बोला, धन्यवाद गुरुदेव, कम से कम इतना दिखाया आपने, पहले सुनने था कुछ पता नहीं, आप तो आ रहे हो आप। बस अब भीतर की यात्रा शुरू हो रही है, आपका शरीर ठीक हो गया है, आपका सांसारिक जीवन भी ठीक हो जा रहा है, ठीक है, आप भीतर की यात्रा शुरू हो रही है, आप अब भीतर में आनंद लेंगे, सुरंग उरंग दिखाई दे रहा है आपको, प्रकाश दिखाई दे रहा है, गुरुदेव आ रहे हैं, ये सब माने लक्षण है भीतर की यात्रा शुरू हो रही है, उस अनंत की यात्रा। स्वस्थ नहीं हुआ है, शरीर में दिक्कतें अभी चल रही है, लेकिन ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है सब दिक्कतें। यस यस, एक्चुअली क्या होता है, माने शारीरिक जितना भी प्रॉब्लम होता है ना, उसके पीछे कर्म का प्रारब्ध कर्म का कुछ माने दोष रहता है, इसी कारण से ही माने ये सब बीमारी वगैरह होता है। तो प्रारब्ध कर्म भी कटने चाहिए, प्रारब्ध कर्म कटने के लिए उपाय तो कभी कभी गुरु माने पूर्णता प्रसन्न होने से एक क्षण में ही माने सब काट देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपना प्रयास करना पड़ेगा, अपना प्रयास माने जितना संचित कर्म है उसको काटने के लिए उसी परिणाम में हमें मंत्र जाप करने की आवश्यकता है, मंत्र जाप करते करते ऑटोमेटिक ठीक होता है गुरु भाई। इसीलिए तो भाई दृष्टा भाव से देख रहा हूँ मैं कि कर्म कटे, गुरुदेव जब चाहेंगे तो डॉक्टर के पास भेज देंगे, जब चाहेंगे कहीं ना कहीं जो उनको ठीक करना होगा तो अपने आप व्यवस्था करेंगे। अब इतना तो प्रार्थना करते रहता हूँ कि भौतिक जीवन भी चलता रहे, आध्यात्मिक जीवन भी चलता रहे, कोई मतलब किसी से बस हॉस्पिटल मत जाने देना, ये मतलब और कुछ पूर्णतः स्वस्थ है गुरु भाई। धीरे धीरे करके वो कार्मिक जो है, कर्म का बंधन भी बड़ा ये रहता है। अभी बीच में मुझे भी दांत दर्द दे रहा था, दो चार दिन पहले से दांत दर्द दे रहा था, बहुत दांत दर्द है। हम बोले गुरुदेव हम तो जाने वाले नहीं, डॉक्टर दवा भी लेने वाले नहीं, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं गुरुदेव संजीवनी मंत्र का जाप करो, सबको बोलते हैं, मैं तो गया ही नहीं अभी तक, ठीक है चल रहा है, काम चल रहा है, ठीक है। तो जब दांत दर्द अगर हो जाता है तो मैंने इस यौगिक क्रिया होती है, मैंने जैसे कि आपका मुंह खुल जाएगा, मुंह खुल के भीतर से सांस माने ठंडी ठंडी सांस आना शुरू हो जाएगा भीतर से, और आपका जहाँ पर दांत दर्द है एक्चुअली वहां पर ही क्या होता है, ठंडा हवा आने से एक तो रिलैक्सेशन होगा, फिर कुंडलिनी शक्ति जो है ना एकदम माने एक जगह जाके जहाँ पर दर्द है वहां पर जाके मोटी हो जाती है, माने जैसे कि कोई सॉलिडिफाई हो जा रहा है, माने सघन हो जा रहा है कुछ चीज वहां जाके ऊर्जा जाकर। तो ऐसे ही करके गुरुदेव की कृपा से चल रहा है, ठीक है। और बीच में कुछ दिन पहले मैंने बुखार भी हुआ था, मैं दो तीन महीना पहले की बात है, तो पहले बुखार होने से चलो डॉक्टर पास जाना है, डॉक्टर पास जाना है, तो अभी तो बुखार हुए तो नहीं देखते हैं ना गुरुदेव है, तो पहले थोड़ा डर रहता है, थोड़ा संशय रहता है, फिर धीरे धीरे करके दो दिन के बाद बुखार ऑटोमेटिक ठीक हो गया, दवा लेना नहीं पड़ा, खुश हुए, चलो जीवन का पहला एक्सपेरिमेंट एक बुखार बिना दवा के ही ठीक हो गया। मैंने संजीवनी मंत्र में यह है कि आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर इतना बढ़ा देती है कि इन्फेक्शन होना ही नहीं है, और होगा तो चंद दिन के लिए होगा फिर भग जाएगा, कुछ रुकेगा ही नहीं, ये तो महिमा है गुरुदेव की। आप सहज रूप से भी अगर देखिए ना, ध्यान अगर कोई लोग ज्यादा कर लेते हैं, ध्यान वैसे 15 मिनट ही कर रहे हैं, अगर फोर्स वर्स अगर कहीं से ज्यादा कर लेते हैं या तो क्या हो जाता है, शरीर में ऑटोमेटिक ऊर्जा मैंने बढ़ जाती है, मैंने भीतर से कहाँ से ऊर्जा आ जाती है इसका, मैंने हमारे जो मंत्र है, हमारा जो ध्यान है, उसका शरीर में एग्जैक्ट इम्पैक्ट है, इसी कारण से रोग ठीक हो रहे हैं और प्रभाव हो रहे हैं। तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोगों के पास है, हम लोग देख रहे हैं, बस विश्वास के साथ टिके रहना है। मेरा अनुभव है गुरु भाई कि जब अभी तक 2-3 बार मेरा ध्यान लगा है, मतलब शून्य हो गया, विचार शून्य, विचार एकदम, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। आप बताइए कब कैसे विचार शून्य बने, मैंने क्या मैंने ध्यान जब आप शुरू कर रहे थे तो 1 मिनट के अंदर में हो गया है कि मैंने बीच में जाके हुआ, कैसी मिनट का समय बीतने के बाद नेक्स्ट 15 मिनट, नेक्स्ट 15 मिनट, हाँ 15 मिनट तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगला जो 15 मिनट है मेरी आँख खुलनी ही नहीं है, एकदम मैं कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रही, और सामने एकदम आज्ञा चक्र ब्लैंक, एकदम ब्लैक, कुछ नहीं और कोई भी विचार नहीं चल रहा है, एकदम विचार शून्य हो गया हूँ मैं। अब मन यही कर रहा है कि मैं खोलूं ही नहीं, एकदम मजा, आप मतलब क्या बोलते हैं, आनंद बोल सकते हैं उसको, वो आनंद आ रहा था, और गुरुदेव ने बस 3 बार ये कराए हैं मुझे, बस 3 बार, उस पता चल जाता कि मेरा अब ध्यान नहीं खुलने वाला है, अब वो मिल गया मुझे। तो डेली वेट करते रहता हूँ, पहले ऑडियो में म्यूट कर देता, चालू रहता था,
लेकिन अब ऑडियो म्यूट कर देता हूँ कि गुरुदेव के जाना मतलब 15 मिनट एक्स्ट्रा हमको दे दे उसका इंतजार रहता है। बहुत ही आनंद आता है उसमें, एकदम मतलब लगता है कि मैं नहीं, बैक पेन कर रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है कुछ क्षण के लिए, लेकिन फिर वो पीठ सुन्न हो जाती है दर्द से, फिर उसके बाद पता नहीं चलता, उस पर भी ध्यान नहीं जाता है, एकदम विचार शून्य, विचार शून्य। और क्या, जबकि योगियों की अवस्था हो गई गुरुदेव, हिमालय पे जाने से ऐसी योगियों की अवस्था मिलती है आपको, घर बैठे ही मिल रहा है गुरु भाई। गुरु भाई बिना दवा खाए मैं सो नहीं पाता था, बिना तब ट्रैंक्विलाइजर लिए मुझे नींद नहीं आती थी, और आज एक महीने के ऊपर हो गया, रखी हुई दवा ऐसे उसमें रखा हूँ, लेकिन गुरुदेव से ही बोलता हूँ, गुरुदेव सो रहा हूँ बस, और 3:30-4:30 के बजे टाइमिंग है, सुबह 5 बजे वाला सेशन मिस नहीं होता है, नॉर्मली गुरुदेव जगा देते हैं और नींद पूरी रहती है, ऐसा नहीं कि नींद पूरी ना हो। ये बहुत बड़ी मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि मैं बिना दवा के मैं सो नहीं पाता था, घबराहट बेचैनी रहती थी, पल्पिटेशन रहता था, मैंने किसी से कहीं पर भी जाओ तुरंत भागो, कहीं पर भी बेचैनी रहती थी, लेकिन ये सब चीज़ें गुरुदेव ने दूर कर दिया है, और क्योंकि इतनी मैंने जहर खाए हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ खाई हैं, तो उनका इम्पैक्ट रहेगा ही अपने शरीर पर, तो धीरे धीरे शोधन का कार्य चल रहा है, वो भी ठीक हो जाएंगे, और गुरुदेव जैसा हमारा कोई नहीं है, हमारे गुरुदेव जी जैसा कोई नहीं, साथ ईश्वर है, उसमें कोई दो राय। यस गुरु भाई, हाँ, तो ध्यान की, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत सुंदर गुरु भाई, ध्यान की ऐसी अद्भुत स्थिति, मैंने सबको गुरुदेव देव, सब उस समाधि तक की अवस्था को एक्सपीरियंस करें गुरु भाई और गुरु बहन, सब सबके ऊपर गुरु की कृपा बरसे, सब उस अद्भुत शून्य की अवस्था को प्राप्त करें गुरुदेव की कृपा से, और सबका दिव्य रूपांतरण हो। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहते हैं तो स्वागत है, कृपया हैंड रेज करें। जय गुरुदेव। नहीं तो सेशन का भी समय हो चुका है। हिंगू जी गुरु भाई अगर मंच पर है, और कोई गुरु भाई अगर बातें रखना चाहते हैं स्वागत है, नहीं तो पीके सिंह गुरु भाई जी, हिंगू जी गुरु भाई तो नहीं है शायद, पीके सिंह गुरु भाई से अनुरोध है कृपया सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। ओ हिंगू जी गुरु भाई चले, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, को